क्या हाल है भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज कल भाइयों कंट्रोवर्सी देखने में आ रही है। अभी कैमिनाती की आई थी, जिसपे अंबानी जी के लड़के ने ट्वीट किया था कि भाई उस टेक्निकल गुरुजी को लेके कि इस पे अंबानी को बीच में ना लाएं, उनका कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी आई थी और कुछ ट्विटर पर भी कॉन्ट्रोवर्सी चली रही है। अब देखो भाई, कैमिनाती की रिप्लाई का वेट है, क्या करते हैं किरिम नाती। क्योंकि भाई देखो, जो बोला है या कुछ भी करा है तो पता नहीं क्या बोला किसने, क्या बोला किसी ने नहीं, पर ठीक है भाई, जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, मतलब अपने उसमें। बाकी तो भाई नहीं, ऐसे किसी कंट्रोवर्सी है तो भाई आपस में रिजोल्व करो, चलो अच्छी बात है। पर भाई अभी एक वो भी है, हमारे भाई भी है, एक एलविश यादव जो बिग बॉस में गया हुआ है, तो भाई उसका भी आजकल चल ही रहा है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बिग बॉस में तो ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, बिग बॉस बहुत कम देखता हूँ। बट बाकी उसमें अभी मैंने एक देखा था, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी बिग बॉस में, जिसमें कि एलविश यादव की और एक की लड़ाई हो रही थी, नहीं क्या नाम है उसका, जो भी है व्हाटएवर। तो ठीक है भाई, अपना भाई एलविश यादव भी सपोर्ट करो। और भाई एक दो कॉन्ट्रोवर्सी और चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रही है। ये जो पुनीत सुपरस्टार है, इसका वो कर दिया है इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो हटा दिया, उसका इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट कर दिया है। मतलब ठीक है भाई, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा कि उसने कुछ मार्क जुकरबर्ग या किसी कुछ बोला होगा। सडन से उसका वो गायब हो गया, पेज गायब हो गया। पर भाई जो आदमी फेमस है, जो भी है, अपने दम पे बनाए बेचारा, वो भी तो भाई सब अपने दम पे ही बनते हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता नहीं है या कोई वैसे नहीं करता, बस आप लोगों का प्यार है जो आप लोग सपोर्ट करते रहते हो लोगों को फेमस कराने में। क्योंकि भाई जब तक, अब तो पहले तो यही चल रहा था कि भाई बॉलीवुड है या फिर जैसे कि वही वाला सीन होता था ना पहले, जैसे राजा का बेटा राजा, ऐसे ही चल रहा था बॉलीवुड में सब में, और इतना था भी नहीं। पर जो हमारे ये है भुवन बम, उन्होंने भाई सब ये स्टार्ट किया था। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भुवन बम का, क्योंकि भाई वो ऐसा बंदा था भाई जिसने खुद ही सबसे पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, ये सब चीज़ें करने स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद में सबने स्टार्ट करा। हमारे भाई अमित बढ़ाना भी हैं, वो भी अच्छी वीडियो बनाते हैं, सभी अच्छी वीडियो बनाते हैं। पर भाई ये पता नहीं क्या ही चल रहा है आजकल, कंट्रोवर्सी वगैरह, उसका चैनल डिलीट कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था इंस्टाग्राम को। बट बाकी चलो, वो कुछ होगा तो वो हो जाएगा वापस, रिटेन हो जाएगा अभी जैसा है कि, क्योंकि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसे इंस्टाग्राम को भी, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये सब चीज़ चलती हैं, अगर तुम उसमें ये सब चीज़ें लेके बैठोगे तो भाई फिर तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके चैनल हटा दो फिर, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। मार्क जुकरबर्ग, मेटा, अब तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम जो है वही चला रहे हैं, उन्हीं के पास उसके राइट्स हैं। तो भाई चलो, कंट्रोवर्सी तो खैर चलती रहती हैं। पर भाई बहुत दिन बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज फिर से, क्योंकि मेरे को लगा था कि आज मैं व्लॉग बनाऊँ, मेरा व्लॉग बहुत टाइम टाइम बता रहे हैं भाई, तो टाइम नहीं मिल रहा काम की वजह से, काम बहुत है, और भाई ये बनता रहना चाहिए। वैसे भी ज़्यादा लोग तो, आप लोग ज़्यादा प्यार दे ही नहीं रहे हो, पर जो दे रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, आप लोग जितना प्यार दे रहे हो उतना बहुत है। पर भाई चलो, अभी तो नोएडा में बारिश हो रही है भाई, बस गाड़ी में बैठे हुए हैं अपनी में, अब उतरेंगे बाहर, फिर आज देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि आज थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास कि आज मैं व्लॉग शूट कर लूँ, व्लॉग बना लूँ। यही है भाई, स्टार्टअप है हमारा भी, हमारा कुछ इतना बड़ा चैनल नहीं है, इतना बड़ा कुछ वो नहीं है, बस स्टार्टअप है छोटा सा, पर चलो स्टार्ट तो कर ही दिया है व्लॉग बनाने, पर अब चल ही रहा है, चलते रहें, फिर अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर आगे। ए भाई साहब, यहाँ बहन की शादी का हमने देखा, देखो इसे इसमें बता रहा था बैंकेट हॉल। लाइट बंद कर रखी है अभी सारी? नहीं चल रहने तो नहीं, वो बुक कर लिया था पहले, देख लिया था हमने ना, बस मैं जस्ट देख रहा हूँ इसे भी। अच्छा, इसकी डेकोरेशन फूल की ऐसी रखोगे इनकी, चेंज नहीं करोगे इसे? चेंज के लिए तो शायद हमने बोला था इसमें तो कुछ चेंज, ये तो आई थिंक आपकी 1 साल पुरानी है ना। आगे कहाँ गए? अरे क्या देखो भाई, हमारे यहाँ बना है ये नया
फुट ओवर ब्रिज बहुत बढ़िया बनाया, मतलब ये ऐसा बना दिया सिग्नेचर ब्रिज की तरह बना दिया इन्होंने। यहाँ परथला के ऊपर सेक्टर 121 के ऊपर है ये नोएडा में, तो बहुत बढ़िया बनाया भाई ये। तो भाई अब देखो ऐसे ब्रिज तो मतलब बढ़िया ही लगते हैं, ऐसे सिग्नेचर ब्रिज हो गया, ये हो गया, आजकल तो यही चल रहा है डिजाइन में ब्रिजों का। तो भाई अब चल रहे हैं भाई हम आज गांव, आज है थोड़ा सा काम गांव की साइड में, तो इसलिए जा रहे हैं गांव। अब एक दिन और दो दिन गांव मजे लेंगे, अब संडे शाम को वापस आएंगे हम गांव से। तब तक व्लॉग में बने रहो, देखते रहो व्लॉग को। आज बहुत दिन बाद इतनी गर्मी होने के बाद आज बारिश पड़ी है नोएडा में, फिर से बरसात का मौसम चल रहा है, सावन चल रहा है भाई। बारिश रुक गई थी बीच में सावन के मौसम में, जहाँ पहले बारिश रुकती नहीं थी भाई, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बारिश भाई लगातार तीन तीन चार दिन पड़ती थी लगातार, पर बिना रुके। अब तो भाई बारिश ही नहीं पड़ती, खैर क्या करना है इसमें। अब जो भाई बारिश है, अब पड़ रही है बारिश हल्की हल्की, अभी बारिश स्टार्ट हुई है, अब देखो कितनी देर पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से तो आधा घंटा पड़ेगी बस, उससे ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। देखो दिखाता हूँ, बस देखो होली बंद इतनी ही पड़नी थी बस, इतना सीधा गीला कर दिया हमारा मौसम में है, बादल तो है अभी भी, बस नहीं पड़नी थी पड़ गई और हो गया काम। चलो जी अब मैं यूवी को लेने आया हूँ कोचिंग से, क्योंकि कोचिंग से फोन आ गया था बारिश पड़ रही थी इसलिए। चलो भाई बच्चों को लेकर चलते हैं, कोचिंग तो होगी नहीं क्योंकि ग्राउंड इतनी सी बारिश ने गीला कर दिया होगा, तो चलो। ये भाई बच्चों ग्राउंड है क्रिकेट का, ओह वो खेल रहे एकेडमी के बच्चे, ये खड़े सारे। हो गई बरसात बंद, इतनी पड़नी थी इतना ही गीला होना था, फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट होगी भाई। देखो ये खड़े एकेडमी के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं सब बारिश में, डेडिकेशन लेवल गजब का है बच्चों का भाई, ऐसी बारिश में भी मैच खेल रहे हैं। चलो भाई ये कभी हम भी खेलते थे भाई, बड़ा बढ़िया ग्राउंड है, ग्राउंड देख के बड़ी फील आती है भाई, खेलने का मन करता है बहुत, छोटे छोटे बच्चे। भाई बिग बॉस का फिनाले आने वाला है, तो हमारा भाई एलविश यादव बिग बॉस में है, तो भाई भाई को सपोर्ट करो, भाई जीतना चाहिए क्योंकि भाई जीरो लेवल से उठे हुए बंदे को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो मतलब खुद अपने अपनी मेहनत करके जो बन रहा है आदमी, तो भाई एलविश यादव को सपोर्ट करो बिग बॉस में। और भाई बस अब मैं ये जो व्लॉग है मैं इसको यहीं पेंड कर रहा हूँ आज, तो अब नया व्लॉग बनाएंगे, फिर अभी हम कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो कहीं जाएंगे बाहर तब का नया व्लॉग बनाएंगे, उससे पहले बीच में कोई व्लॉग आ सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ज़्यादा बड़ा व्लॉग ना बनाऊँ क्योंकि आप लोग भी ज़्यादा बड़ा व्लॉग देखते नहीं हो, तो छोटा रहे सही रहे। तो भाई हमारा भाई जो एलविश यादव, बस यही कहूँगा कि उसको सपोर्ट करो, उसको जिताओ बिग बॉस में, और भाई बिग बॉस का फिनाले आने वाला है तो जीतना तो भाई वही चाहिए, फुल सपोर्ट है भाई हमारी तो, क्योंकि जब एक बार और हुआ था ऐसी, जब मनवीर का था, हमारे भाई मनवीर का था, मनवीर गुज्जर जो जीते थे बिग बॉस, तब भी सबने मिलकर सपोर्ट किया था, गुज्जर यादव सब ने, मतलब जितने भी हमारी बरादरी है सबने सपोर्ट किया था भाई। ऐसी भाई अभी टाइम है कि भाई सभी भाई सपोर्ट करो, सपोर्ट करो सारे भाई, वोट करो क्योंकि वोटिंग चलती है जियो सिनेमा पे लाइव, तो भाई करो जिस जिसको करना है जिसको नहीं करना है। चलिए भाई बाकी तो भाई चलो अब व्लॉग को एंड कर रहे हैं, बाय बाय, मिलते भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब लोग खुश रहो, ध्यान रखो और भाई व्लॉग देखते रहो।